हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ युगल विजय भैसारे, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फ्रॉम NIT पॉलिटेक्निक नागपुर। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ आज लेक्चर नंबर 10 में, जहाँ हम पढ़ेंगे कि हाउ टू राइट टेक्स्ट इन ऑटोकैड। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहे आपके डिपार्टमेंट के मिशन और विशन। आप सबसे पहले तो इनको पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप सभी ने पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे प्रोग्राम आउटकम्स की तरफ। आप सभी को जैसे कि पता है कि हमारे प्रैक्टिकल के लिए बेसिक नॉलेज और डिसिप्लिन नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। इंजीनियरिंग टूल्स हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं और सारी चीज़ें हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग में काम में आएगी। ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम। चलिए बिना समय गवाए चलते हैं हमारे ऑटोकैड सॉफ्टवेयर की तरफ। ये रहा आपका ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। अभी आपको यहाँ पर कुछ लिखना है, ठीक है? कुछ भी कॉलेज का नाम, आपका नाम, शीट नंबर, वो जो भी लिखना है आपको, ठीक है? तो आपको अगर लिखना हो तो यहाँ पर देखिए, एनोटेशन टूल बार में यहाँ पर लिखा है टेक्स्ट। टेक्स्ट में जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर दो तरीके के टेक्स्ट होते हैं। एक होता है सिंगल लाइन टेक्स्ट और दूसरा होता है मल्टी लाइन टेक्स्ट। अगर आप सिंगल लाइन टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हो, आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा स्टार्ट लाइन और एंड पॉइंट, ठीक है? उसके बाद कुछ इस प्रकार का डिस्प्ले आएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नाम लिख रहा हूँ युगल, ठीक है? और बाहर आके आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एस्केप दबाना है। तो जब आप अपना नाम लिखते हो तो यहाँ पर देखो आपका नाम लिख के आ गया। अब आप चाहते हो कि अगर आप इसको एडिट करो तो आप बिल्कुल भी इसको एडिट नहीं कर पाते हो, ठीक है? ना ही आप इसका फॉन्ट चेंज कर पाओगे, ना कुछ, बस आप इसमें कुछ लिख पाओगे लेकिन इसमें एडिटिंग कुछ भी नहीं हो पाती। ना आप इसका फॉन्ट चेंज कर पाओगे, ना आप इसका स्टाइल चेंज कर पाओगे, कुछ भी नहीं, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप सिंगल लाइन टेक्स्ट का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, ओके? तो अगर इसको डिलीट करना है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और डिलीट की बटन दबा देंगे। दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ पर मल्टी लाइन टेक्स्ट। तो आप मल्टी लाइन टेक्स्ट को यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर इसका शॉर्टकट होता है एम टेक्स्ट करके आप टाइप कर दीजिए और एंटर दबा दीजिए। तो यहाँ पर आपको पूछेगा स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर, तो कॉर्नर और अपोजिट कॉर्नर इसमें सर्च कर डाल दीजिए और यहाँ पर आपको जो भी लिखना है आप यहाँ पर लिख लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख लिया युगल, अपना नाम लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं युगल लिख लेता हूँ और अगर मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ तो इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक करूँगा तो ये बराबर से यहाँ पर देखो टेक्स्ट एडिटर, मतलब यहाँ पर एक नया सा ऑप्शन खुल जा रहा है टेक्स्ट एडिटर। इसको मैं यहाँ पर जाकर इसका साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ। कैसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जाके मैं इसका साइज़ कम कर लेता हूँ 10। तो देखिए इसका साइज़ कम हो गया है ना, इसका साइज़ कम हो गया। फिर से डबल क्लिक करूँगा, कितने भी बार आप इसमें एडिट कर सकते हो। और यहाँ पर जब मैं जाता हूँ तो आप इसका साइज़, फॉन्ट वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हो, ठीक है? कलर चेंज करना है तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है? आई थिंक वाइट इज़ मोर इम्प्रेसिव, हाँ, तो यहाँ पर वाइट डाल लेता हूँ मैं। सो लाइक दिस आप इसकी एडिटिंग यहाँ पर कर सकते हो, जो भी आप चाहो। मान लीजिए आपको अगर यहाँ पर इसको जस्टिफाई करना है या फिर राइट साइड में लिखना है, लेफ्ट साइड में लिखना है, तो आप इसको वैसा इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको इसमें बुलेट्स देना है तो आप इसमें बुलेट्स भी दे सकते हो, नंबरिंग भी दे सकते हो, जो भी आप करना चाहो, ठीक है? इसको बोला जाता है टॉप लेफ्ट, मिडल लेफ्ट, आप इसको कैसे भी एडजस्ट इसको कर सकते हो। मिडल सेंटर में कर लिया मैंने, ठीक है? अगर आपको इसको बोल्ड करना है तो आप इसको बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, स्ट्राइक थ्रू कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको, मान लीजिए इसको जैसे आप करते हो ना, अपर लाइन कर सकते हो, अपर केस लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हो। देखिए अपर केस में हो गया, लोअर केस में आ गया, सो अपर केस में कर सकते हो। आप इसमें खुद का स्टाइल भी इसमें बना सकते हो, फॉर्मेटिंग में जाके देखिए इस प्रकार से आप इसमें अपना खुद का स्टाइल भी बना सकते हो। बहुत ही सिंपल है ऑटोकैड में कुछ भी टेक्स्ट लिखना। ऑटोकैड में टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत कहाँ आती है, मान लीजिए
अगर आप यहाँ पर कोई शीट बनाते हो या फिर कोई ड्राइंग बनाते हो, तो ड्राइंग में अगर आपको कुछ लिखना है तो आप आराम से इस टेक्स्ट एडिटर के मदद से आप टेक्स्टिंग कर सकते हो। सो आई होप आपको टेक्स्टिंग समझ में आ गई होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।